नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ने वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं, या फिर जो चर्चा होती रही है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने जा रहा है, ये होने जा रहा है? ये दोनों सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो बयान आया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से, उसका मतलब यही है। उन्होंने जो कहा है वो दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाए, दोनों पार्टियां एक हो जाएं, या फिर नीतीश कुमार जेडीयू बिहार में अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ें। ये बात हम किस लिए कह रहे हैं और क्या कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने? दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में ललन सिंह ने कहा है कि पार्टी के सभी सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा पहुंचेंगे, सभी 40 सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा पहुंचेंगे। क्या बिहार में 40 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 40 लोकसभा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, और तब आरजेडी कहां लड़ेगी? अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं, वाम दल कहां लड़ेंगे और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल कहां लड़ेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी के सभी 40 सांसद लोकसभा जाएंगे और 2024 में भाजपा मुक्त होगा, उन्होंने गठबंधन के सभी 40 सांसद नहीं कहा है, उन्होंने पार्टी के सभी 40 सांसद कहा है, तो क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा? यह भी संभावना है, और विलय होगा तभी 40 सीट एक पार्टी लड़ेगी। सवाल यह भी है तब भी कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, कांग्रेस को एक भी सीट महागठबंधन नहीं देने जा रहा है, और जेडीयू आरजेडी आपस में विलय करके ही 2024 में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बयान महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर देखिए, जेडीयू का खुला अधिवेशन था और उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है, ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता गरीब बेरोजगार किसान को सड़क पर लाने वाली पार्टी को उसकी असली हैसियत आगामी लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा। अगला लोकसभा चुनाव में जनता ने मूड बना लिया है, भाजपा मुक्त देश का यह होकर रहेगा। हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, हमारी पार्टी के सभी 40 सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा जाएंगे, इस जीत के साथ ही देश भाजपा मुक्त हो जाएगी। तो ये बयान है और इसी बयान से ये सवाल है कि आखिरकार ललन सिंह ने ये क्यों कहा कि पार्टी के सभी 40 सांसद लोकसभा जाएंगे अगर वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा है, तो क्या आरजेडी से नाता तोड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार, या अपनी पार्टी जेडीयू का विलय करने जा रहे हैं आरजेडी में? ये बड़ा सवाल है। बहुत